नमस्कार, इस वक्त न्यूज़ लाइव राजस्थान पर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बोरे में साथी का शव ठूस, साइकिल पर लेकर घूम रहा था, इलाके में फैली सनसनी। विश्वकर्मा रोड नंबर 17 पर शुक्रवार दोपहर को साइकिल पर रखे बोरे में एक व्यक्ति का शव देख सनसनी फैल गई। पल भर में मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने साइकिल ले जा रहा युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव की पहचान कर उसे पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल पहुंचाया। साइकिल सवार युवक मृतक का साथी ही निकला। पूछताछ में उसने बताया कि साथी की मौत हो जाने पर फंसने के डर से शव को बोरे में रख दफनाने ले जा रहा था। जानकारी के अनुसार मृतक 45 वर्षीय हीरालाल यादव विश्वकर्मा में रहकर मजदूरी करता था। वह मूलतः बिहार का रहने वाला है, जबकि उत्तर प्रदेश निवासी साइकिल सवार राजकुमार गुप्ता भी यहां पर हीरालाल के साथ काम करता था। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि राजकुमार से पूछताछ में सामने आया है कि एक माह से हीरालाल उसके पास रहकर शराब पी रहा था। शुक्रवार सुबह भी साथी हीरालाल को शराब पीते छोड़कर गया था। दोपहर में लौटा तो वह कमरे में पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। फंसने के डर से शव को बोरे में ठूंस दिया और साइकिल के पीछे रख बांध दिया। बोरे में हीरालाल की चप्पल रख कर उन्हें भी बांध दिया, जबकि बोरे का मुंह खुला था और उससे हीरालाल का सर साफ नजर आ रहा था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पत्नी और बेटा भी रहते हैं यहाँ। पुलिस ने बताया कि मृतक की शराब पीने की लत के कारण पत्नी व बेटा अलग रह रहे थे। आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि हीरालाल की मौत की सूचना उसके बेटे ने दे दी थी, हालांकि परिजनों ने इस संबंध में बातचीत नहीं हो सकी है।